ओम शांति। आपका प्रश्न है, प्राणों से प्यारा, जीवन आधार, आत्महत्या कर ले, ये हमारे किस पाप कर्म की सजा है? प्राणों से प्यारा, जीवन आधार, जिसको हम जिसके आधार पर चल रहे थे, वो पति भी हो सकता है, वो बेटा भी हो सकता है, वो माँ भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उस परिवार की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था, सारे परिवार को जिसने संभाल रखा था, सारे परिवार का जो प्यारा था, मीन्स उसका व्यवहार बहुत अच्छा था ना, गुण थे ना, जीवन आधार था उनकी जीव का, उनका जीवन चल रहा था, और उसने आत्महत्या कर ली। ये बड़ी गलत बात है, उससे तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये है बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान में सोची गई बात। क्योंकि आत्महत्या शब्द को देखते ही सबसे पहले मेरे मन में उठता है कि आत्महत्या तो होती ही नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और उसकी हत्या कहना ये तो रॉन्ग हो गया ना। आत्मा की तो कभी हत्या नहीं होती, देह की हत्या होती। देह का अंत हुआ, आत्मा ने उस शरीर को छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर उसने ले लेना है। यह हम बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आत्मा कभी भी एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट शरीर नहीं छोड़ सकती। चाहे वो आत्महत्या करे, चाहे अचानक दुर्घटना हो जाए, चाहे कोई दूसरा उसकी हत्या कर दे, मौत का कारण कुछ भी हो, वो दर्दनाक भी हो सकता है, वो अचानक सुख देने वाला भी हो सकता है कि एकदम बस बैठे बैठे ही चला गया, कहते बहुत अच्छी मौत है, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परिवार को तंग नहीं किया, सोए सोए चला गया, बोलते बोलते चला गया, काम करते करते चला गया, कोई बहुत तड़प करके गया, आत्महत्या में उसने ऐसा पॉइजन ले लिया जिसके कारण वो जल्दी से नहीं मर सका, कई घंटों तक उसे तड़पना पड़ा। एक्सीडेंट में भी ऐसा हो सकता है कि वो काफी घंटों तक तड़पता रहे, महीनों तक तड़पता रहे, सालों तक तड़पता रहे, ऐसा भी होता है। क्योंकि मरा नहीं है, कोमा में चला गया है, कई सालों से कोमा में पड़ा हुआ है। आप इस प्रकार से देखते, आत्महत्या करने की कोशिश तो करते हैं, परंतु आत्महत्या की कोशिश की हो, या कोई ऐसी बीमारी हो गई हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया हो जिसके कारण वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया जिसे हम कोमा कहते हैं, जिसे हम मरा भी नहीं कह सकते, जिसे हम जिंदा भी नहीं कह सकते। अब आपके प्रश्न के मुताबिक उसने आत्महत्या की है और शरीर छूट गया है। अब हमारा हम क्या करें, हमारा तो जीवन आधार वही था, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम उसके बिना कैसे जिएंगे, हमें तो फिर मर जाना चाहिए, हम ही मर जाते हैं। मर जाना कोई कल्याण नहीं, हमने जिसे जीवन आधार समझा था यह हमारी मूर्खता थी, यह हमारी अज्ञानता थी, यह हमारी भूल थी। ये भूल क्यों थी, इस विषय को समझने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बहुत सारे प्रश्न जो मैं दे रहा हूं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात ये जाननी है कि आप कौन है, जिसे आप अपने जीवन आधार समझ रहे हो वो कौन है, उसका क्यों आपके पास आने का कारण बना,
उसके कर्मों की गति क्या है, किस आधार से वो आपका जीवन आधार बना था। जरूर आपने कभी उसके प्रति वो श्रेष्ठ कर्म किए हुए थे जिनका लेन देन का भुगतान करने के लिए वो आपके संपर्क में आया था। ये कर्मों की गति क्या है वो आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे वीडियोस के अंदर आप जान सकेंगे, कौन सी कर्मों की गति के मुताबिक हम ये बनते। क्यों कोई पति बना है, बच्चा बना है, माँ बना है, बहन बना है, क्यों मेरे संबंध संपर्क में आया है, इन सब विषयों के प्रश्न आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जान सके। विस्तार से तो आप इस वीडियो के प्रश्न को भी आप नीचे जान सकेंगे, परंतु यहाँ पर कि वो एक आत्मा है, आप भी एक आत्मा है, कार्मिक अकाउंट से वो आपके संबंध में आया और जैसे ही कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, लॉ है, ये सभी लॉ आप इसके नीचे देखेंगे, लॉ है कि कोई भी आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा में एक सेकंड कम या एक सेकंड ज्यादा रुक नहीं सकता। जैसे ही एक स्टेज से पार्ट पूरा हुआ और उस आत्मा ने शरीर को छोड़ना है, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसके लिए कहा जाता है चल बसा, अर्थात यहां से चला और दूसरी जगह जाकर बस गया। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरा, शरीर को हमने जला दिया, आत्मा ने इस शरीर को छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर ले लिया। यहां एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि चाहे कारण कुछ भी हो, परंतु आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले 3 महीने का गर्भ तैयार, क्योंकि लगभग 3 महीने के गर्भ में वो आत्मा एक ही सेकंड में जैसे यहां से शरीर छोड़ा और वहां जाकर उस शरीर में प्रवेश करती है। एक ही सेकंड के अंदर शरीर भी छोड़ा, गति भी की और वहां जाकर सीधा गर्भ में प्रवेश भी किया। चाहे उसकी मां उस समय अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी देश में हो, पर तो उसने उसके लिए रास्ता कोई दूरी नहीं है। बाबा कहते हैं तीखा रॉकेट है आत्मा, एक इतना तीखा रॉकेट है जिसकी स्पीड पे चलने वाला आज तक कोई दुनिया में रॉकेट बना नहीं सका। तो आत्मा सीधा गर्भ में प्रवेश करती है और 6-6.5 महीने में वो आत्मा शरीर धारण करके इस संसार में आ जाए। और इसको ज्यादा विस्तार ना देते हुए, और हर जन्म में आत्मा मनुष्य ही बनती है, कभी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं बनती है, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो में विस्तार से आप समझ सकेंगे कि हम हर जन्म में इंसान क्यों बनते हैं, क्या नियम है, और एक जन्म पुरुष बनते हैं, एक जन्म हम स्त्री बनते हैं, ये भी आप वहां पर जान सकेंगे कि क्या नियम है, किस आधार से हम बनते हैं। ये वीडियो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। कारण कुछ भी हो, उस आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर ले लिया। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है, कोई आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। वो आत्मा आपके साथ मिली हुई थी, आपके प्रति उनके कर्ज था, जितनी सेवा, जितना सहयोग, जितनी सुविधाएं आपको देनी थी दे दी, अब वो हिसाब बराबर हुआ, अब उसने दूसरी जगह पार्ट बजाना है, आत्मा चली गई। क्योंकि हम सब आत्माएं एक्टर हैं, कोई भी आत्मा एक सेकंड कम या ज्यादा नहीं रुक सकती, एक्यूरेट पार्ट बजाती है, एक्सपर्ट एक्टर्स हैं सारे के सारे। तो आत्मा दूसरी जगह जाकर अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है, ठीक है? तो ये आपके कोई पाप कर्म का नहीं है। अब आपको लग रहा है कि अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, कौन हमारा, ये चिंता आप मत करें, ये चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखें कि आप इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर हो, और एक्टर ने एक्टिंग करने के लिए कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सा सामान यूज करना है, ये चिंता किसको, इस वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर को।
आपको जो सामान मिलना है, जो सुविधा मिलनी है, वो अपने आप आपके पास आएगी। आपको उसके लिए जाना पड़ सकता है, पुरुषार्थ करना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है, जरिया तो बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। परंतु ये याद रखो कि वो साधन, वो वस्तुएं जिनको आपने उनकी एब्सेंस में प्रयोग करना है, वो आपके पास हर हालत में प्राप्त होंगी। वो प्राप्त ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हर चीज को आपके पास एक्यूरेट टाइम पर आना ही आना है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे तो चिंता आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी चिंता किसको? वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर को। अब आपको जरूरत है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो डाले हुए हैं जहां आपको आपका भी परिचय मिलता है, आपके पिता परमात्मा का भी परिचय मिलता है, और उस परमपिता परमात्मा को कैसे याद करना है, वो कैसे आकर हमारा कल्याण करता है, कैसे हमारे जीवन से तनाव खत्म होता है, कैसे वो आकर हमारे सारे दुखों का अंत करता है, इन सब विषयों पर आपको वीडियोस मिलेंगे। आप उन सभी वीडियोस को अपनी स्वेच्छा अनुसार जब समय मिले देखेंगे और अपना जीवन परमात्म डायरेक्शन पर चलाकर हमेशा हमेशा के लिए खुशमय सुखमय बनाएंगे, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे। इसमें आप जानेंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, होती क्या है, कैसे परमात्मा आकर देते हैं, हमें क्या करना है। आपको हर बात की वीडियोस नीचे मिलेंगी। और यदि कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में उठे जो समझो कि इसके अंदर वो वीडियो नहीं है और आपका प्रश्न यूनिक है, तो आप उस प्रश्न को 9213106986 पर व्हाट्सएप करेंगे और सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास में यदि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कोई भी सेवा केंद्र हो, वहां आप संपर्क करके अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। और चाहे आपको प्रश्न का उत्तर वहां मिल जाए, यदि वो प्रश्न इस वीडियो की लिस्ट में ना हो, तो आप वो प्रश्न जरूर व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी भी है, आपका अधिकार भी है, और ये सेवा है कि अनेक आत्माओं को सुख पहुंचाने में, सहयोग देने में आप सहयोगी बनेंगे, और जो उनकी दुआएं मिलेंगी वो आपके हिस्से में भी आएंगी। क्योंकि आप यदि प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं ये वीडियो नहीं बना सकूंगा। आप इस सेवा में सहयोगी बनेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका जीवन ईश्वरीय मार्ग पर चले, आपके जीवन सुखमय बने, इसके लिए मुबारक। ओम शांति।